सिलसिले में कहीं उन्होंने जाके उनकी पार्टी के लोगों ने कुछ सुनवाई ली कि सर, तो उन्होंने कहा अपने केसेस आप जाके डिफेंड करें, जो खराबियां हुई हैं उसका जवाब आप जाके रेलिवेंट फोरम पर दें, और हुकूमत आ गई है ये गवर्नेंस करेगी, इनको गवर्नेंस करने दें और इनको अपनी अपना काम करने से होता ना कि वो कहीं लेवरेज मिल रही है, कहीं थोड़ा सा हाथ खोला। फिलहाल कम अज कम रिसेंट पास्ट में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जवाब ही है फिलहाल तक। कब तक रहेगा, कब तक रहेगा ये मैं नहीं जानता। अभी बजट में सुना है कहा गया कि भाई ये हद से आगे नहीं जाना, वो मुमकिन है। मैं तो इसे बात में बता रहा हूँ कि वो अगर कोई ये था कि किधर खड़े हैं, तो वो कुछ पार्टियों के लिए तो उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया कि जनाब हम नहीं। सो आप अगर कोई गेम डालना चाहते हो तो उस गेम के लिए अभी तक माहौल नहीं है। सो लेट्स लीव इट एट दैट। दूसरी तरफ आ जाए, ये हो गई ऑपोजिशन। सो ऑपोजिशन जो ये सारा कुछ कर रही है, वसीम क्या अचीव करते हैं ये बताएं। सर एक तो वही, इधर हल्की फुल्की एक मौसीकी जाहिर अपोजिशन लगाए रखती है, वरना अपोजिशन इररिलेवेंट हो जाएगी। अपोजिशन को जायज या नाजायज तनकीद करके अपने तौर पे अपना बयानियां कायम करने की कोशिश करनी है कि देखो ये कितना बुरा ऑप्शन है और हम कितना अच्छा ऑप्शन है, अवाम पाकिस्तान के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। और फिर जाहिर है कि अपोजिशन ये भी कोशिश कर रही है, उनको अंदाजा है कि अगर ये हुकूमत इस तरह रहती है तो फिर हम कम अज़ कम अपना जितना प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं वो प्रेशर बिल्डअप करके अपने केसेस